नमस्कार, खबर पर नजर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं, ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर आप लोगों के मन में जिज्ञासा है। तो ऐसी ही खबरों को विश्लेषण करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उससे जुड़े ठिकानों पर देश भर की छापेमारी पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर मोदी आर्काइव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी यादों को साझा किया गया है। किस तरह से विशेष है ये, इस पर भी बात करेंगे अपने संवाददाता के साथ। इसके अलावा बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की, जिसमें आज एक याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाता के साथ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध विवाद को लेकर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है, इस विषय पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले बात देश भर के PFI के ठिकानों पर चले NIA के क्रैकडाउन की। दरअसल आज देश भर के NIA ने देश भर में जो PFI के तमाम ठिकाने थे उस पर आज छापेमारी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको PFI कहते हैं, उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ED, NIA और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से PFI से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। NIA ने PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ NIA ने UP, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में PFI और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी की है। NIA ने कोलकाता में PFI नेता SK मोहंती के तिलजला स्थित आवास पर छापेमारी की है। NIA को भारी संख्या में PFI और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन किया है और 11 राज्यों में ED, NIA और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर बड़ा तेज एक्शन आज PFI का रहा। PFI उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के आधार पर जो इस PFI से जुड़े हुए लोग थे उनकी ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है जिस पर ED और NIA ने कार्रवाई की है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक को से 20-20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, UP से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं शाहीन बाग जो कि दिल्ली में है और गाजीपुर से PFI से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरा नगर से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने भी प्रदेश से PFI से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के मदुरई और थेनी समेत कई जिलों में भी छापेमारी की गई है। तो देर रात शुरू हुई ये ईडी और NIA की और राज्य की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की लगातार नजर बनी रही। आज एक मीटिंग भी हुई इसको लेकर के, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि PFI से जुड़े लोगों पर कार्रवाई के बाद मंगलुरु में SDPI और PFI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इससे पहले 18 सितंबर को NIA ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 23 जगहों पर रेड मारी थी। ये छापेमारी भी कराटे प्रशिक्षण केंद्र के नाम पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कैंप चलाए जाने के मामले में की गई थी। NIA ने निजामाबाद, कुरनूल, गुंटूर और नेल्लोर जिलों में रेड की। सूत्रों की माने तो NIA ने उन्हीं जगहों पर रेड की है जहां से आतंकी गतिविधियों के संचालन की जानकारी मिली थी। तो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक 11 राज्यों पर 100 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की NIA ने और ED ने, और इसमें 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया।
और इसके खिलाफ कुछ लोगों ने प्रदर्शन भी किया। पीएफआई से जुड़े हुए लोगों ने पीएफआई के खिलाफ एनआईए की इस छापेमारी के दौरान एनआईए दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने इसका जायजा लिया, आइए देखते हैं। छापेमारी की कार्रवाई के बाद दिल्ली में एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी हुई है उसमें दिल्ली में भी दो तीन लोकेशन है जहाँ पर एनआईए की जो टीम है वो पहुँची थी, जिसमें शाहीन बाग है और इसके अलावा जो गाजीपुर मंडी है उस पर वहाँ पर भी एनआईए की जो टीम है वो पहुँची थी और वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। उसी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ दिल्ली पुलिस को बढ़ाया गया है और ये मेरे सामने आपको दिखाई दे रहा है वो एनआईए का हेडक्वार्टर है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो। इसके अलावा जो पीएफआई संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि छापेमारी की कार्रवाई के समय यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो तैनात की गई है ताकि एनआईए हेडक्वार्टर के सामने किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और देश भर में टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई और इस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में एनएसए, गृह सचिव, एनआईए, डीजी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और इसकी समीक्षा की गई। और इस पूरी खबर को हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने फॉलो किया। नीरज सिंह के पास चलते हैं, न्यूज़ रूम से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसमें पूरे दिन जो कार्रवाई हुई है। नीरज, आप अगर हमको सुन पा रहे हो तो आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, दिन भर आज किस तरह से कार्रवाई चली है, कितने जगहों पर, क्योंकि जो अद्यतन जानकारी है उसके मुताबिक 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी की गई है, 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से चली है पूरे कार्रवाई और ये इतनी बड़ी, इतनी मैसिव क्रैकडाउन जिसको कहते हैं बहुत कम देखने को मिलता है एनआईए का। देखिए, बिल्कुल मैसिव क्रैकडाउन निकल कहेंगे क्योंकि दिन भर ये कार्रवाई चली एनआईए की और सुबह करीब 1 से 4 बजे के बीच में एनआईए ने अपनी रेड डालना शुरू किया और पैन इंडिया ये रेड हुई थी और 100 से ज्यादा लोकेशन थी, 10 से ज्यादा राज्य थे, 11 राज्यों की हमें जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 100 से ज्यादा जो लोग हैं उनको अरेस्ट भी किया और हिरासत में भी लिया। एनआईए की जो छापेमारी है वो निखिल अभी खत्म हो गई है, थोड़ी देर के बाद एनआईए एक स्टेटमेंट जारी करेगा और वो बताएगा कि इस छापेमारी में उनको क्या क्या हासिल हुआ, किन किन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले, क्योंकि ईडी से जो सबूत एनआईए को मिले थे, ईडी से जो जानकारी एनआईए को मिली थी उसी के आधार पर दोनों एजेंसियों ने एक कह सकते हैं कि एक संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन किया और जिसमें देश भर में अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। पीएफआई जिस तरीके से विदेशी फंडिंग अपने संगठन में मंगा रहा है और उस विदेशी फंडिंग का जो प्रयोग है वो देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है, तो इस तरह की तमाम जो जानकारियां हैं वो एनआईए के पास थी और एनआईए ने इससे पहले फुलवारी शरीफ में जब रेड करी थी और इससे पहले सितंबर में भी 23 जगह एनआईए की रेड हुई थी तो उसमें ये जानकारी निकल कर आई कि पीएफआई संगठन है टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए, खासतौर से देश में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, इसके अलावा स्कूलों में जो दंगा कराने के लिए, स्कूलों में मारपीट कराने के लिए और खास जो लोग हैं उनको भड़काने के लिए कर रहा था ताकि देश के अंदर गड़बड़ियां पैदा हो, क्योंकि कोई भी जो संगठन है इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता है और विदेशों से अगर उसको पैसा मिल रहा है तो ये एक बड़ी साजिश है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी ताकतें हमारी देश की जो विकास की गति है उसको रोकना चाहती है, हमारा देश जो तरक्की कर रहा है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से स्टॉपेज उस पर बन रही है, क्योंकि इस तरह के संगठन अगर देश में गड़बड़ियां पैदा करेंगे, देश के अंदर अगर हिंसा होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा तो छवि देश की खराब होगी, तो
तो ये एक चैन एनआईए को मिली थी और ईडी के साथ मिलकर उसी चैन को एनआईए ने तोड़ा है। अब 6 बजे के बाद एनआईए एक स्टेटमेंट जारी करेगा, तब पता लग पाएगा कि कौन कौन सी सबूत एनआईए को हाथ लगे हैं। जी, एक तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की वारदातों में पीएफआई का नाम सामने आया, क्योंकि पीएफआई अपने आप को इससे पहले तक जो आम लोग थे उनके बीच में ये अपने आप को एक सामाजिक संगठन कहते थे, लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ महीनों में जब से इसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके बाद एक के बाद एक तार जुड़ते गए, तो आज जो समझ में आया, आपने देखा कि किस तरह से 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई और एक पूरा बड़ा नेटवर्क सामने आया। क्या मोडस ऑपरेंडी, किस तरह से कार्रवाई ये करते थे और क्या किस तरह से इनके ऊपर आरोप है, क्या क्या कुछ वारदातों में को इन्होंने अब तक अंजाम दिया है? देखिए, सबसे पहले बड़े पैमाने पर जो पीएफआई का नाम आया था जब सीएए का विरोध हुआ था, और आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में जब तमाम महिलाएं और जो लोग विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे थे, तो उस समय पीएफआई की एक बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई थी कि वहां पर पीएफआई फंडिंग कर रहा है, लोगों को पैसे देकर वहां पर बैठने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही उनके खाने पीने का तमाम जो इंतजाम है वो पीएफआई कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बेंगलुरु में देखें, बेंगलुरु में जिस तरह से हिंसा हुई, कन्हैयालाल का उदयपुर का जो प्रकरण है उसमें पीएफआई की जो भूमिका है वो निकलकर सामने आई। देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसमें एक बड़ी भूमिका पीएफआई की रही है, और ये तमाम सबूत एनआईए के पास थे, और जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर जो पीएफआई है वो देश विरोधी गतिविधियां चला रहा था, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जगह जगह कराटे प्रशिक्षण केंद्र लगाकर वहां जो युवा पहुंचते थे उन युवाओं को देश विरोधी जो भाषण है वो दिए जाते थे, देश विरोधी विचारधारा उनके दिमाग में डाली जाती थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश थी, और इस साजिश में केवल पीएफआई नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कई सारे आतंकवादी संगठन हैं जो शेल कंपनियों के मार्फत पीएफआई जैसे संगठनों को पैसा दे रहे थे देश में गड़बड़ियां पैदा करने के लिए। जी, निश्चित तौर पर तो एक बड़ा क्रैकडाउन, मैसिव क्रैकडाउन चलाया है, जो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन चलाया है पीएफआई के खिलाफ। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद जो हमारी अगली खबर है वो बेहद रोचक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर मोदी आर्काइव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी यादों को साझा किया गया है। युवा पीएम मोदी के व्यक्तिगत डायरी के पन्नों के अंशों में लिखे उनके विचारों को दुनिया के सामने पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और एकता के बीच युवावस्था में ही प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का दृष्टिकोण और व्यक्तिगत विचार का हिस्सा थे। इसी की बानगी प्रधानमंत्री मोदी के हस्तलिखित पर्सनल डायरी के पन्नों में दिखाई देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के मौके पर जो है मोदी आर्काइव में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से जुड़ी यादों को साझा किया गया है। और हमारी चेतना, हमारी प्रकृति है विविधता में एकता, कार्य संस्कृति, बलिदान ही परिणाम देता है, कार्यशैली, ईश्वर हम सब की रक्षा करें, हम सब मिलकर पालन पोषण करें। राष्ट्रीय आकांक्षा, मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं, कार्य संस्कृति, बलिदान ही परिणाम देता है, कार्यशैली, ईश्वर हम सब की रक्षा करें, हम सब का मिलकर पालन पोषण करें। राष्ट्रीय आकांक्षा, मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूं, ये मेरा नहीं है, ये उनके डायरी के पन्ने हैं। ग्लोबल विजन, वसुधैव कुटुंबकम, समूची दुनिया एक परिवार है, परंपरा है, चलते रहें, लगातार लगे रहें, नए विचारों को अपनाने को तैयार रहें, मेहनत और काम करते रहें। सपना है, हमारा सपना है पूरी दुनिया खुश रहे। मर्यादा है हमारा सिद्धांत, न मैं राज चाहता हूं, न स्वर्ग की इच्छा रखता हूं, न मैं पुनर्जन्म की ही कामना करता हूं। तो कामना क्या है? कामना है ऊर्जा, है मातृभूमि को नमन। प्राण शक्ति है 100 करोड़ देशवासी और हजारों वर्ष की धरोहर। तो बेहद रोचक भी है और प्रेरक भी है ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डायरी के पन्ने हैं, या यूं कहें कि युवा नरेंद्र मोदी के डायरी के पन्ने हैं। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, कहां पर इनको देख सकते हैं, इन पन्नों को, और किस तरह से विश्लेषण करेंगे इसका? निखिल, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितना विजनरी है ये इस पुराने लेटर से सामने से पता चलता है, क्योंकि आज एक तरह से वर्ल्ड पीस डे आज पूरी दुनिया मना रही है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पुराना लेटर जो सामने आया है, अगर इसमें आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस समय पर वो यंग थे,
यंग वॉलेंटियर थे तो पूरे देश भर के अंदर भ्रमण किया करते थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी है कि भाई ग्लोबल विजन क्या था उनका, क्योंकि उन्होंने जब इंट्रोस्पेक्शन किया, ये वो दौर था जिस समय पर पूरे देश में भ्रमण करते थे, इंट्रोस्पेक्ट उन्होंने काफी ज्यादा किया था, तब उन्होंने ये डायरी लिखी थी और कुछ अपने क्या गोल्स हैं, क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या विजन उनका है, उनको उन्होंने डायरी के पन्नों पर लिखा था। तो उन्होंने अपने आप जब इंट्रोस्पेक्ट करके लिखा कि ग्लोबल विजन क्या है, तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि वसुधैव कुटुंबकम उनका एक ग्लोबल विजन ये एक तरह से जो कि होना चाहिए। तो आज भी वो वही बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में वो वक्तव्य देने जाए या फिर किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर बोले, उनका इंटेंट बिल्कुल क्लियर होता है। चाहे कोविड महामारी की हम बात करें, कि ग्लोबल विजन बिल्कुल साफ है, कैसे वसुधैव कुटुंबकम ये पूरी दुनिया एक परिवार की तरह कैसे रह सके, इस बात पर उनका पूरा फोकस रहता है। जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई क्या हमारी परंपरा क्या है, सपना क्या होना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या है, ऊर्जा क्या रहता है, एक सेकंड प्रोमिनेंट पॉइंट है कि ऊर्जा क्या है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वंदे मातरम, मैंने कि भारत की बात कही है, वंदे मातरम की उन्होंने बात कही है। तो पुराना लेटर जब वो यंग हुआ करते थे उस समय का ये लेटर इस समय पर वायरल हो रहा है, जो जो हम कह सकते हैं कि मोदी आर्काइव का ट्विटर हैंडल है, वहां पर ये पुराना लेटर उनका देखा जा सकता है, जहां पर उन्होंने जो उस समय पर जो बीइंग अ यंग नरेंद्र मोदी उन्होंने जो कुछ विजन किया था, एनविजन किया था, वो आज कहीं ना कहीं वो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ पूरा कर रहे हैं और ऊर्जा की या विजन की बात नहीं कही है बल्कि परंपरा की और मर्यादा की भी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा परंपरा चलते रहे, लगातार नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहे। यानी कि जो विचार आज हम प्रधानमंत्री के एक तरह से विजन के तौर पर देख पाते हैं उनके संभाषणों में, ये उनके साथ बहुत पहले उनके मन में ये सारे विचार पहले से थे जो इन्होंने डायरी पे रेखांकित किए हैं। बिल्कुल निखिल, आज हम देखते हैं कि दुनिया जो दुनिया है यूट्यूब का है, आईटी का जमाना है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और इन सब का जमाना है। आज आपको कई सारे मोटिवेशनल गुरु मिल जाएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, कई सारे लोग यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं मोटिवेशन की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज से चार डेकेड पहले पूरे देश के जो यंगस्टर्स हैं वो मोटिवेट हो सके, अपने आप को मोटिवेट कर सके, उन तमाम चीजों को यहाँ लिखा था और जो कि आज भी काफी प्रासंगिक है या फिर काफी ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जीवन शैली में उतारा जा सकता है। सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट जैसा कि आपने कहा कि चरैवेति, वो इस बात को कई मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर भी बोल चुके कि मनुष्य का जो प्राइमरीली सबसे जो हमारी परंपरा है वो यही है कि चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चाहे जो जीवन में जो भी ऊपर नीचे आता है, जो भी उतार चढ़ाव आता है, हमें चलते जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये लेटर मेरे ख्याल से हर यंगस्टर को देखना चाहिए और ये मोदी आर्काइव से ट्विटर हैंडल है, इस पर जाके इसको एक्सेस किया जा सकता है। तमाम थ्रेड्स के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर चीज के लिए क्या विजन रखते थे आज से चार पहले और किस तरह से उनको पूरा कर रहे हैं। इस लेटर की एक और खास बात है कि हर चीज को लिखने के बाद उन्होंने उस पर टिक मार्क भी किया हुआ है, यानी कि ये उनका विजन था कि कैसे हर एक चीज को पूरा करेंगे। और आज हम ग्लोबली देखते हैं, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, चलते जाने की बात हो, या किसी भी डिसीजन को लेते समय कैसे स्थित प्रज्ञता का ध्यान रखा जा सके, बिल्कुल स्थित प्रज्ञता करके कोई भी डिसीजन लिया जा सके, उस बात पर फोकस रखना हो, तो उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं आज भी उसको इंप्लीमेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, उसको इंप्लीमेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अरुण शर्मा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर वाराणसी है से है। ज्ञानवापी मामले में आज अदालत में हुई सुनवाई के बाद वाराणसी की जिला कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। इस याचिका को उन्हीं महिलाओं की ओर से दाखिल किया गया है जिन्होंने कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने के संबंध में याचिका दाखिल की थी। महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला जज की कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी और शिवलिंग की कार्बिंग डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस भी जारी किया है, उनका जवाब मांगा है। और इसके साथ ही अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा अपनी सुनवाई की तैयारी के लिए मांगे 8 हफ्ते का समय भी देने से इनकार कर दिया है। तो बेहद इंटरेस्टिंग है ये भी। इस पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, अभी तक शिवलिंग का की बात आ रही थी कि वो फव्वारा है, कि शिवलिंग है, हिंदू पक्ष ने कहा ये शिवलिंग है, सुनवाई योग्य याचिका ठहराई गई, और उसके बाद अब जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से इस बात को प्रूव करने के लिए उसकी कार्बन डेटिंग कराने की भी मांग की गई है।
देखिए निखिल, जिस तरीके से आज का पूरा मामला था, ये पोषणीयता का विवाद जो है संतुलित होने के बाद, न्यायालय का यह फैसला आने के बाद कि यह मुकदमा पूरी तरह से पोषणीय है, पहली यह सुनवाई थी ट्रायल कोर्ट में, जिला जज की अदालत में पहली बार इसकी मेरिट्स को लेकर के बातचीत शुरू हुई है। तो इसमें मुख्य रूप से तीन बिंदु आज दिखाई दिए, जिसमें एक नई याचिका, जो महिलाओं के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने एक नई याचिका दाखिल की जिसमें आपने भी बताया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। इसके साथ ही जो है यह भी मांग की गई है कि जो सर्वे के समय, उस वक्त जो सर्वे हो रहा था, जिन चीज़ों का सर्वे नहीं हो पाया था, छूट गई थी, उन चीज़ों का भी सर्वे कराया जाए, जहाँ मलबा है वहाँ हटा करके इस बात की जानकारी प्राप्त की जाए कि आखिर इसके नीचे क्या कुछ है। ASI द्वारा जो है कार्बन डेटिंग की मांग को किया गया है। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मुस्लिम पक्ष से भी उनकी आपत्ति की मांगी है और सुनवाई की तारीख 29 सितंबर को जो है रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह था कि मुस्लिम पक्ष का बार बार ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जिला जज की अदालत से ऊपर जो है उसके फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाया जा सकता है, इसलिए हमें जो वक्त लग रहा है, हमें 8 हफ्ते का वक्त देना चाहिए जिससे कि हम जो है अपनी तैयारी कर सकें और वहाँ मुकदमा भी दायर कर सकें। लेकिन अदालत ने इस बात को माना नहीं और साफ तौर पर कहा कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रोसीडिंग पर कोई स्टे नहीं किया था, इसलिए आपको जो है लगातार सुनवाई में शरीक होना पड़ेगा, आगे की अदालतों में जो कुछ भी आप करना चाहें वो करते रहिए। तो इस तरह से दूसरा बिंदु भी जो है यहाँ पर निस्तारित करते हुए इस पर भी जो है सुनवाई 29 तारीख को ही लगाया है। जी आशुतोष, ये समझना चाहते हैं कि क्या अदालत ने इसको ऐसे परसीव किया कि ये टाइम बाई करने के लिए या टाइम काटने के लिए ये इस तरह से आगे की जो डेट लिया जा रहा है, इसलिए 8 हफ्ते का वक्त नहीं दिया, किस तरह से समझते हैं इसको? बिल्कुल निखिल, जो है अदालत ने कहीं ना कहीं इस विषय को माना और हिंदू पक्ष के वकील ने भी इस विषय को उठाया था कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो टाइम की मांग की जा रही है, सिर्फ मुकदमे को जो है लंबा खींचने का प्रोसेस है और ऐसी कोई बात नहीं है कि मुकदमा यहाँ सुना नहीं जा सकता है। अगर अपील की जहाँ तक बात है, हिंदू पक्ष भी हाईकोर्ट में अपनी कैवियत दाखिल करके बैठा हुआ है कि अगर इस आदेश के विरुद्ध, पोषणीयता के आदेश का को जो दिया था जिला जज ने, उसके विरुद्ध कोई हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग आती है तो उसमें हमको भी सुना जाए, तो मामला सिर्फ जो है जिला अदालत के स्तर पर है और जिला की अदालत जो है ये नहीं चाहती है कि ये मामला काफी लंबा खींचा जाए, बल्कि वो साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर जो है एक तर्कपूर्ण निर्णय पर पहुंचना चाहती है। तीसरा बिंदु निखिल, मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं कि करीब 16 लोग जो है इसमें अपील किए थे पक्षकार बनने के लिए, जिनमें से आज 19 में से 9 लोग उपस्थित थे, एक की एप्लीकेशन खारिज हो गई, अन्य लोगों के भी उसमें पक्षकार बनाने को लेकर के अदालत 29 तारीख को ही सुनवाई करेगी। तो अगर हम कहें तो पूरी तरीके से आज का जो 45 मिनट की सुनवाई रही जिला जज के कोर्ट में, उसमें काफ़ी कई मील, मतलब कई कंक्रीट जो है निर्णय दिए गए, निर्णय नहीं कह सकते हैं बल्कि ऑब्जर्वेशन दिए गए, जो 29 तारीख की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष तैयार होकर के जब अदालत में आएंगे तो फिर बात वहां से आगे ट्रायल, गवाही, साक्ष्य और तमाम सारी बिल्कुल आगे मामला चलेगा। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा इस लिहाज से। बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध विवाद को लेकर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन तक इसकी सुनवाई की है। 15 मार्च को आए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को 20 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शैक्षणिक संस्थान में ड्रेस कोड को फॉलो करना जरूरी है और हिजाब पहनने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस्लाम में हिजाब की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। कर्नाटक सरकार की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रदेश की सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी धार्मिक पहलू को नहीं छुआ है और यह बैन सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित है। राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले दलील पेश करते हुए कहा था कि अनुशासन और एकता के लिए ड्रेस कोड का होना बेहद जरूरी है। वहीं दलील का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि छात्र कोई सेना के जवान नहीं है कि उनसे ड्रेस कोड का पूरी तरह से पालन करवाना अनिवार्य हो। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ रूम से। विकास, आज अब सुनवाई जो है हिजाब मामले पर पूरी हो गई और सुप्रीम अदालत में भी पूरी हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था उस पर उसको दरअसल चैलेंज किया गया था, तो अब किस तरह से देखते हैं ये, क्या कुछ दलीलें रहीं और आगे अब केवल जिस तरह से कोर्ट ने सुरक्षित रखा है तो अब इस पर केवल फैसला ही आना है?
बिल्कुल निखिल, 10 दिन तक ये सुनवाई चली है और इसमें अगर आप बात करें मुद्दों की, तो जहां तक याचिकाकर्ता थे उसमें दो बातें कही गई थी। एक समूह का ये कहना था कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, इस सवाल में ना जाकर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि अगर इस प्रथा को ये छात्राएँ काफ़ी समय से अपना रही थी, वो उस हिजाब का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो क्या वजह है कि अचानक से एक सर्कुलर ला करके उस पूरी गतिविधि पर रोक लगा दी गई। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई थी कि उनके हिजाब पहनने से किसी दूसरे उनके जो स्टूडेंट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उनका कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होता, तो ऐसे में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत क्या है। इसके अलावा एक पहलू ये भी था याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये कुछ का ये कहना था कि इस्लाम में हिजाब का एक अपना महत्व है और इसीलिए उनके लिए उसको मानना, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ी बात यहाँ पर ये कही गई थी कि जो ये सर्कुलर आया है उससे सीधे सीधे उनका जो शिक्षा का अधिकार है स्टूडेंट्स का, वो प्रभावित होता है। लेकिन अगर हम कर्नाटक सरकार की दलीलों की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर पिछले फैसलों का हवाला दिया और ये कहा कि जो हिजाब है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप दुनिया में भी अलग अलग देशों का से तुलना करें तो कई देशों में हिजाब को सार्वजनिक जगहों पर पहनने के लिए अनुमति नहीं है, तो क्या वहाँ पर जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनका अधिकार किसी तरह से प्रभावित होता है? और ये जो सर्कुलर लाया गया है एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लाया है ताकि बच्चों के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, जो ड्रेस कोड है वो एक समानता लाने के लिए लाया जाता है। ऐसे में ये सारी दलीलें टिकती नहीं हैं कि हिजाब ना पहनने से उनका जो छात्राएं हैं उनका जो मजहब को फॉलो करने का अधिकार है वो किसी तरह से प्रभावित होता है। जी जी, चलिए अब देखना होगा कि जो याचिका इस पर दाखिल की गई है और यदि ये जो पूरी सुनवाई हुई है, अब अदालत इस पर क्या फैसला लेता है। उसने सुरक्षित रख लिया इस पूरे मामले को। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए विकास सारथी। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।